आप रूपा जी, इस डिबेट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, संयम के साथ आगे बढ़ाते हैं। ममता बनर्जी ने अभी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि टीएमसी का मतलब टेंपल मॉस्क एंड चर्च। मैं तो अभी तक सोची थी कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस है, ये एक नई परिभाषा गढ़ने के पीछे क्या मकसद? मीनाक्षी जी, इतना देर तक नेशनल टेलीविजन पे तू तू मे मे ये लग रहा था कि मैं कोई डिबेट में नहीं, कोई कुश्ती के अखाड़ा में बैठी हूँ। इस डिबेट के सुनने के बाद देखिए, मैंने संयम से सबका बात सुना है और मैं भी चाहूंगी कि जब मैं बोलूं मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करे। ये एक हेल्दी डिबेट का सबसे बड़ा साइन। बिल्कुल मीनाक्षी जी, ये डिबेट सुनने के बाद मुझे आज मुजफ्फर राजमी जी का एक शेर याद आ रहा है। ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज मीनाक्षी जी, इस देश का जो हालत है, भारतीय जनता पार्टी देश को जाति धर्म और जो देश देशभक्ति के नाम पे जो चीज फैला रहे हैं देश में, इसका असर आने वाले पीढ़ी को पता चलेगा। क्योंकि ये बात जानना बहुत जरूरी, ये बात हम लोग सब जानते हैं और आप भी जानते हैं और इस पैनल में जितने भी बैठे हुए हैं कि वी लिव इन अ सेक्युलर इंडिया। हमारे संविधान हमको इस चीज का ये दिए हैं कि वी आर ऑल सेक्युलर। लेकिन आज जब देश में महंगाई है, देश में जीडीपी रेट ग्रोथ जीडीपी फॉल हुए हैं, आज भूखमरी, आज अनएम्प्लॉयमेंट समस्या है, इस चीज पर कोई चर्चा नहीं करके आज हमारे जो पार्टी की जो लीडर है, हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री है, ये तो बात सही है, टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सुरक्षित रखती है, तभी तो पंचायत में 50% महिला रिजर्वेशन। और आज देखिए केएमसी में जो चुनाव हो रहे हैं, कम से कम 40% से ज्यादा महिला आरक्षण दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास और हमारे पार्टी सेक्युलर है, इस चीज का लिए हम तृणमूल करते हैं और हमें गर्व है कि हमारे पार्टी के लीडरशिप का नाम है ममता बनर्जी, जो हर जाति धर्म के सभी को लेकर ये पार्टी को अच्छे से चला रहे हैं। दो आपकी बार 200 पार तो हुआ ही नहीं, लेकिन बंगाल का जनता ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया, क्योंकि ये देश में मुद्दा। अपरूपा जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व आप दे रहे हैं। इस देश में एक ही मुद्दा होना चाहिए, वो विकास का मुद्दा होना चाहिए और जाति धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए, विकास के मुद्दे पे राजनीति होना चाहिएगा। और ये तो पब्लिक तय करेंगे, जहां पर विकास रहेगा, जहां पर पब्लिक के लिए जो सरकार काम करेंगे, पब्लिक उनको वोट करेंगे। इसके लिए हम लोगों को जाति धर्म को राजनीति में नहीं लाना पड़ेगा। आज बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब मेरा सवाल आप सुने अपरूपा जी, अगर वाकई में विकास के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए तो फिर ममता बनर्जी को ये क्यों कहना पड़ा कि टीएमसी का नाम टेम्पल मॉस्क इन चर्च है, क्यों ये कहना पड़ा? ये वो दीदी ने बताई कि हमारे पार्टी सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब हम लोग सबको लेकर चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है उनका आइडियोलॉजी सिर्फ है पोलराइजेशन। भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है पोलराइजेशन, क्योंकि एक भी विकास का काम नहीं करता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।